हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुकेश चौधरी का जीवन परिचय से आपको रूबरू करवाऊंगा। पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल अभी चालू है और इसका जो लास्ट मुकाबला खेला गया वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें मुकेश चौधरी ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जिनके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और मैं आगे बताना चाहूँगा कि मुकेश चौधरी एक भारतीय क्रिकेटर है और जो कि घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक की तरफ से खेलते हैं और फिलहाल मुकेश चौधरी चेन्नई सुपर किंग टीम में हैं। और मुकेश चौधरी का जन्म है वो 6 जुलाई 1996 में भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था और ये एक दाएं हाथ के गेंदबाज है और ये घरेलू टीम इनकी महाराष्ट्र है। मुकेश चौधरी घरेलू टीम में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका परिणाम अब इस खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स जैसी सफल टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला और इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीद कर इनको बहुत बड़ा मौका दिया है और वो इसके रूबरू भी हो रहे हैं, जिसका आप परिणाम देख सकते हैं कि इन्होंने 3 ओवर में 19 रन दे करके 3 विकेट लिए और सफल गेंदबाज साबित हुए। तो आपको मुकेश चौधरी की ये बातें कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुकेश चौधरी का